तो आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े देश, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश के बारे में। तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश। अब शॉर्ट ट्रिक मेरे साथ आया तो कुछ तो शॉर्ट होनी चाहिए ना। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कैसे इसको याद करें, तो आज का हम एकदम शॉर्ट ट्रिक और एकदम सिंपल सा तरीका में लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हो तो कुछ तो शॉर्ट होनी चाहिए ना, वो भी हमेशा के लिए याद रहेगा। ये नहीं कि आज याद कर ले कल भूल गया, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए याद रहने वाला शॉर्ट ट्रिक है। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन कौन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन तो ये हो गया विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश। अब इसको हम मिटाते हैं, अब हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो मेरा शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार से होगा, अब शॉर्ट है तो कुछ तो शॉर्ट होनी चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार से होगा, रुक चीन अब आया भारत। ये मेरा हो गया शॉर्ट ट्रिक। क्या हुआ ये मेरा ट्रिक, इसको लिखे देते हैं हम ट्रिक। ये हमारा ट्रिक हुआ, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। अब पता कैसे करें इसको बनाना कैसे, तो देखिए पहले लिख लेते हैं हम इसको शॉर्ट ट्रिक से, रू क उसके बाद चीन, उसके बाद अब का ए बी आया, लास्ट है मेरा भारत। अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएं, रूस है रूस लिख दीजिए रूस, कस है कनाडा लिख दीजिए कनाडा, चीन से तो चीन हो ही जाएगा चीन, अस है अमेरिका, बस है ब्राजील, आस है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अब हस है मेरा हो गया भारत। ये हो गया मेरा शॉर्ट ट्रिक, देखे रुक चीन अब आया भारत, ये हमेशा याद रहेगा, रुक चीन अब आया कौन भारत आया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, अब से ब्राजील, अ से आया, अब से भारत। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री है, पता नहीं है क्या आपको, तो कर दो ना यार सब्सक्राइब, क्यों इतने कंजूस बने बैठे हो, तो फटाफट से लाल कलर का बटन ही से दबाओ।